श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि कैसे निर्धारित किया जाता है कि किसी का जन्म संपन्न परिवार में होता है, किसी का उच्च आध्यात्मिक स्तर के परिवार में होता है, कैसे निर्धारित होता है। यदि सूक्ष्म शरीर के गुण, सूक्ष्म शरीर मतलब जो आत्मा है, यदि सूक्ष्म शरीर के गुण अधिक हैं तो सामान्यतः अच्छी परिस्थितियों और संपन्न परिवारों में जन्म लेते हैं। यदि सूक्ष्म शरीर का स्तर सामान्य से अधिक हो तो इसका जन्म उच्च आध्यात्मिक स्तर के माता पिता के यहाँ होगा जो इसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए पोषक होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संतों का जन्म गुणों और गुणों से परे किसी निर्धन परिवार में भी हो सकता है। यह पृथ्वी पर उनके उद्देश्य पर निर्भर है। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके गुण पे निर्भर करती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से दो चीज़ें हैं, अगर आपका हिसाब किताब ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है तो ये आपके अगले जन्म के लिए अच्छे कर्म हो जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आपने सारे बुरे कर्म किए हुए हैं तो और आप उसको बढ़ाओ मत, आप उसको कम से कम इक्वल कर लो ताकि आगे के लिए, अगले के जन्म के लिए आपके लिए एक रास्ता अच्छा वाला बन जाएगा। तो ये रीज़न होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि किसी का जन्म संपन्न अथवा किसी का जन्म कुछ आध्यात्मिक परिवार में कैसे होता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।